सब्सक्राइब कीजिए टैग अल्टीमेट चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, टैग अल्टीमेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव से अपने डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों, आज के टाइम में डाटा काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है और यही डाटा आपसे गलती से डिलीट हो जाए तो आप काफी परेशान हो जाते हैं कि इस डाटा को वापस कैसे लाया, इस डाटा को रिकवर कैसे करें, या आपका मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो आपको अपने डाटा को रिकवर करने में काफी प्रॉब्लम होती है। और आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपका मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आपसे गलती से फॉर्मेट या डिलीट हो चुका है। तो इस कंडीशन में आपको अपने डाटा को रिकवर करने की जरूरत होती है, चाहे आपकी फोटो हो, वीडियो हो या कोई डॉक्यूमेंट हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डाटा को कैसे रिकवर या कैसे वापस ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से डाटा रिकवर करके दिखाऊंगा। पहले डिलीट करने के बाद आपको डाटा रिकवर करके दिखाऊंगा, उसके बाद मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके वही डाटा रिकवर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, डाटा रिकवर करने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देखते हैं आप अपने डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, डाटा रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने कंप्यूटर में, ब्राउजर में, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं। और डाटा रिकवर करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा वंडर शेयर रिकवर इट। टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपका ये रिजल्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे पहले वाले लिंक पर, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको न्यू टैब में ओपन कर देंगे। ओपन होने के बाद इस तरह का आपके सामने पेज आएगा। इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है फ्री ट्रायल पर, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, डाउनलोडिंग के लिए आ चुका है, मात्र 1.32 MB की फाइल है। पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का सेटअप है, इसको डाउनलोड कर देंगे। इसके बाद आप इस सेटअप को ओपन करेंगे जहां भी ये डाउनलोड होकर गया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां से इंस्टॉल कर देंगे। मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूं इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट रखना होगा, इसके बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पहले ही कर चुका हूं इसलिए इसको क्लोज कर देता हूं। अब आपको अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड, जिसका भी आप डाटा रिकवर करना चाहते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। पहले यहाँ से जिस पीसी ओपन कर लेते हैं। अब हम अपने मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव को लगाएंगे। देखिए, आ चुका है, अभी ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें कुछ इमेजेस और डॉक्यूमेंट वगैरह कॉपी करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने दो इमेजेस और एक वर्ड फाइल कॉपी की है। पहले आप देख लीजिए कि पेन ड्राइव के अंदर ये कॉपी हुआ है या नहीं। देखिए, हमारी पेन ड्राइव है, हम इसको ओपन करते हैं, ये सब कॉपी हो चुका है। अब मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक डिलीट। देखिए, पेन ड्राइव खाली हो चुकी है, यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव खाली हो चुकी है। अब हम इसका डाटा रिकवर करेंगे। एक बात का ध्यान आप जरूर रखिए, यह मैं डिलीट होने के बाद डाटा रिकवर कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको रिकवर इट सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। दोस्तों, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको जिस भी चीज़ का डाटा रिकवर करना है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तरह तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीटेड फाइल रिकवरी, रिसाइकल बिन, फॉर्मेटेड डिस्क। तो हमारा क्या है, हमारा पेन ड्राइव है, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस है। तो एक्सटर्नल डिवाइस के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, लिखा हुआ रहा है एक्सटर्नल डिवाइसेज रिकवरी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर यह बता रहा है कि आप जिस भी चीज़ का डाटा रिकवर करना चाहते हैं, उसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए। हम पहले कनेक्ट कर चुके हैं इसलिए यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, जिस भी ड्राइव का आप या जिस भी डिस्क का आप डाटा रिकवर करना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, यह डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड में, कि आपके कंप्यूटर कितना ज़्यादा फास्टर है। कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। आपके मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में जितनी भी फाइल्स डिलीट हुई होंगी, वह यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप जिस भी फाइल को रिकवर करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर टिक कीजिए, जिस भी फाइल को आप रिकवर करना चाहते हैं टिक कीजिए और यहाँ से रिकवर पर क्लिक कीजिए। रिकवर पर क्लिक करने के बाद यह पूछेगा आप किस ड्राइव में इसको सेव करना चाहते हैं, उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिकवर पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल रिकवर हो जाएंगी। दोस्तों, अब देखते हैं हम फॉर्मेट करके कि आपका डाटा आखिर फॉर्मेट होने के बाद भी रिकवर होता है या नहीं। तो इसके लिए हम जाएंगे दिस पीसी में, दिस पीसी में हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको फॉर्मेट कर देंगे। देखिए, फॉर्मेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसका डाटा फॉर्मेट होने के बाद भी रिकवर होता है या नहीं।
तो इसके लिए आपको फिर से रिकवरी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। फिर से हम जाएंगे एक्सटर्नल डिवाइस रिकवरी पर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम फिर से डिस्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको होने दीजिए। स्कैन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर ओके कीजिए। जितनी भी आपकी पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में फाइल्स होगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी फोल्डर वाइज। तो आप यहाँ पर अपनी फाइल्स को क्लिक करके ढूंढ सकते हैं अलग अलग फोल्डर में और उनको रिकवर कर सकते हैं। देखिए हमारी दो इमेजेस और एक डॉक्यूमेंट फाइल थी, तो हम यहाँ पर रॉ फाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का फोल्डर आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। देखिए हमारी डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर है, इसको रिकवर करने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हमारी दो इमेजेस फाइल भी थी जिनको हमें रिकवर करना है, तो यहाँ पर देखिए जेपीजी लिखा हो रहा है, इसके अंदर हमारी दोनों ही इमेज फाइलें होंगी। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारी दोनों इमेज फाइल यहाँ पर मिल चुकी है। जो भी फाइल आपको रिकवर करनी होगी आप यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ से रिकवर पर क्लिक करेंगे। रिकवर पर क्लिक करने के बाद ये फिर से ड्राइव पूछ रहा है किस ड्राइव में आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो जिस भी ड्राइव में आपको सेव करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिकवर कर देंगे। देखिए रिकवर हो चुका है। देखिए दोस्तों जैसे हमने रिकवर किया यहाँ पर एक विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमारा फोल्डर आ चुका है रिकवर फाइल्स का। तो इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और दोबारा से इस फोल्डर को ओपन करेंगे। देखिए हमारे पास दोनों ही फोल्डर आ चुके हैं। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये फाइल असल में सही भी है या करप्ट हो चुकी है, तो इनको ओपन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम जेपीजी फाइल को देखते हैं, हमारी जो इमेजेस फाइलें थी। देखिए बिल्कुल सही हमारी इमेज फाइल्स काम कर रही है और दोनों फाइल्स हमारी ओपन हो रही है। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे और हम इसको ओपन करके देखेंगे। देखिए हमारी वर्ल्ड फाइल भी बिल्कुल सेव है। दोस्तों देखा आपने आप किस तरह से अपनी डाटा को रिकवर कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी तरह काम करता है। इसकी मदद से आप अपने हार्ड ड्राइव के डाटा को भी रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों तो देखा आपने आप किस तरह से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही तरीकों से डाटा को रिकवर करके दिखा दिया है कि आप अपने डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने डिलीट या फॉर्मेट हो चुके मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव और यहाँ तक कि अपने हार्ड ड्राइव से भी डाटा को रिकवर कर सकते हैं। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है दोस्तों और इसकी मदद से आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन फ्री वर्जन में आप सिर्फ 100 MB के अंदर ही अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। या आपको इससे ज्यादा डाटा रिकवर करना है तो उसके लिए आपको इसके प्रो वर्जन को बाय करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप अपने डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी यह जानकारी हासिल कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक सबसे पहले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टैग अल्टीमेट।